सो गाइस एक और चीज मेरे को जो पता चली इधर की, सो गाइस इट्स टाइम टू गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम आगरा. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट गाइस. सो आज का व्लॉग हम ताजमहल एक्सप्लोर कर रहे आगरा आए, तो ताजमहल ना एक्सप्लोर करें तो ये कैसा हो सकता है गाइस, बिकॉज ताजमहल इज द USP ऑफ आगरा और बहुत सारी प्लेसेस है आगरा में एक्सप्लोर करने के, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे. और अभी जो बज रहा है इट्स अराउंड 6:30, पता नहीं कैमरा में समझ रहा है कि नहीं, इट्स अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग. थर्सडे का दिन है और मज़ा बहुत आने वाला. विंटर्स पूरी अच्छी खासी तगड़ी वाली है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है अभी आगरा में भी. क्योंकि यूजली क्या होता है कि हम लोग जैसे पहाड़ों में जाने के बाद नीचे आते हैं तो थोड़ा सा वार्मर फील होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, और ठंडी बढ़ने लग गई. और अपने साथ पाजी भी आ गई है. गुड मॉर्निंग जी करते हुए सब बढ़िया बोल रहे पब्लिक, क्या हालचाल बोल दीजिए, कमेंट डाउन कर लीजिए, कम ऑन. सो अभी यहाँ से अपना ताजमहल का सफ़र स्टार्ट. बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें आप कैरी कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना है, वो सब हम इस ब्लॉग में बताएंगे. सो ब्लॉग में बने रहिए. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. सो गाइस वी हैव मेड इट इन द एंट्रेंस ऑफ ताजमहल. हम लोग अभी अंदर जाने वाले इसके, बट वी आर अभी जो गेट है वी आर इन द वेस्ट गेट. वेस्ट गेट के अंदर से हम लोग को जाना है, वॉकेबल डिस्टेंस है. पार्किंग आई थिंक सो दूसरे साइड पे, बट हम लोग अभी वेस्ट गेट पे हैं. तो अभी टिकट लेके फिर बाद में आपको क्या क्या प्रोसीजर्स है एंड सो ऑन मैं बताते जाऊंगा गाइस. तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं हम लोग टुवर्ड्स ताजमहल जा रहे हैं. तो गाइस अभी द फॉग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी सुबह का टाइम है तो थोड़ा फॉग होना ये थोड़ा सा है इधर आगरा में भी. सो अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग लिटरली हम लोग धीरे धीरे हम लोग पहुँचने वाले टुवर्ड्स ताज में है गाइस. थोड़ा सा वॉक भी हो गया मॉर्निंग जैसा, तो वो ही पहुँच गए. सो गाइस एक और चीज़ मेरे को जो पता चली इधर की, यू हैव द गल्फ पर फैसिलिटीज़ ऑल्सो, मतलब कि 20 पर पर्सन लेता है. अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो फैसिलिटीज़ तो आप ऑप्ट कर सकते हो. हम लोग तो अभी चल के जा रहे हैं तो हम लोग को अभी ज़रूरत तो नहीं पड़ा, पता नहीं बाद में पड़ेगा कि नहीं. मैं दिखाता हूँ कौन सा गल्फ कार कैसा है. सो जैसे कि देख रहे हो जैसा अभी जस्ट पास ऑन हो गई है गल्फ कार, तो आप ऑप्ट कर सकते हो फैसिलिटीज़ ऑल्सो. सो गाइस जैसे कि आप सामने देख रहे हो उधर, इसके पीछे हमारा जो रिवीलिंग शॉट होने वाला है, मतलब कि इसके पीछे अपना ताजमहल है जैसे कि देख रहे हो आप. सो यहाँ पे भी व्यूज़ कुछ अच्छे अच्छे हैं, इधर ये साइड पे भी देख लीजिए एंड इन दिस साइड ऑल्सो इट्स रियली अमेजिंग. थोड़ा सा फॉग के जैसे थोड़ा सा क्लियरिटी थोड़ा सा डल हो रहा है, अदर रादर देन दैट इट्स वेरी वेरी गुड. आई होप सो जब से हम अंदर जाए तब तक फॉग ना हो तो बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा क्लियरिंग भी आ जाए. सो इसके पीछे ही है अपना ताजमहल गाइस. सो गाइस अभी इसके पीछे ही है द रिवीलिंग शॉट. हम लोग उधर ही कहीं बाहर से मैं बता रहा था आपको, अभी यहाँ से आपको द रिवीलिंग शॉट आने वाला है. सो धीरे धीरे अपन एंट्री करने वाले हैं. स्लोली कर चुके अपन एंट्री और देख लीजिए गाइस. सो यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारे है गाइस, देखिए देख रहे हो. एंड नाउ अपन अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं गाइस. सो स्लोली अंदर आ चुके हैं. सो इधर आते ही थोड़ा अलग ही वाइब्स है. सो नाउ द रिवीलिंग शॉट्स गाइस, इसके पीछे उसके पीछे उसके भी पीछे का पीछे इसके पीछे द मेन ताजमहल जैसे कि देख रहे हो. दिस इज द एंट्रेंस ऑफ इट जहाँ से हम लोग जाने वाले अभी इसके पीछे पीछे गाइस. इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग. बस रिवीलिंग करते करते हमें पहुँचने वाला फाइनली इसके बाद वाला हम लोग पहुँचेंगे टुवर्ड्स इन साइड गाइस. सो गाइस फाइनली वी हैव मेड इट इन द ताजमहल जैसे कि देख रहे हो गाइस. बट आई नो थोड़ा सा फॉग के जैसे आपको क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा, बट जिस तरह से अनफॉग होगा ना, जब फॉग ना नहीं होगा तब जाके इतना क्लियर दिखेगा, बट नाउ ड्यू टू द फॉग हमको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है. सो आई होप सो थोड़ा सा टाइम के बाद हमको दिख जाए ताजमहल अच्छे से, बिकॉज अभी तो क्लियरली बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है.
थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा है, पता नहीं कैमरा में समझ रहा है कि नहीं, कैमरा में आई थिंक इतना जस्टिस नहीं देगा, बट जो भी है देखेंगे कैसे कैसे ट्रायल करके ताजमहल के इधर पहुंच ही जाएंगे गाइस। सो स्टे ट्यून्ड। धीरे धीरे अपन ताजमहल के नज़दीक जा रहे हैं, जैसे कि देख रहे हो फॉग के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, रेदर देन डैट इट्स वेल एंड गुड, थोड़ा सा फॉग के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। सो गाइस जैसे कि आपने मेरा औरंगाबाद वाले व्लॉग्स भी देखे, मिनी ताजमहल गए थे विच इज़ नोन एज बीबी का मकबरा, सो नाउ वी हैव कम इन द ओरिजिनल ताजमहल विच इज हियर। जैसे कि देख रहे हो इट्स रियली रियली ग्रेट टू कम आउट हियर एंड रियली रियली ग्रेट फीलिंग कम टू कम हियर, और कितना अच्छा दिख रहा है गाइस, एकदम मज़ा आ गया। सो गाइस जैसे कि देख रहे हो दिस इज द ताजमहल, हम लोग पहुँच गए हैं जैसे कि मैंने बोला आपको, बट आज मॉर्निंग को भी इतना क्राउड है, अभी कितना बज गया मैं बताता हूँ, इतना सारा क्राउड आ चुके हैं मॉर्निंग को इतना सारा व्यूज लेने के लिए। सो राइट नाउ इट्स 8 o'clock राइट नाउ, सो फिर भी 8 बजे से पब्लिक बहुत सारी आ गई, और इतना विंटर्स में द जोश गाइस, पीपल आर कमिंग एंड जस्ट क्लिकिंग देयर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। खाली डाउन साइड ऑफ वियर अभी जो है खाली फॉग है, धीरे धीरे वो भी क्लियर हो जाएगा अभी जैसे कि देख रहे हो गाइस। तो अभी उधर भी एक स्टेज बना है, पता नहीं कैमरा में समझ रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे भी वहाँ से भी अच्छा खासा व्यूज आते हैं, इसलिए पब्लिक लोग उधर वीडियोस फोटोग्राफी सब लेते हैं, तो हम लोग भी उधर जाके फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी लेते हैं, उधर से भी कुछ डिफरेंट हो सकता है गाइस, तो चलिए उधर जाते हैं गाइस। तो गाइस अपन अभी ऊपर आ चुके हैं गाइस, तो जैसे कि हमने नीचे से शॉट लिया, तो यहाँ पे आने के बाद है ना द क्वालिटी लिटरली डिफर्स, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही वाइब्स मिलती है, एक अलग ही चीज़ है गाइस, यहाँ पे एक अच्छा खासा व्यू मिलता है, मतलब एक अलग ही यू आर, ऐसा लगता है कि यू आर क्लोज टू ताजमहल, वन एंड वन था ऐसा, तो एकदम अलग ही है गाइस, मज़ा आ गया इसको देखते, एकदम वंडरफुल वाला वाइब्स है ना। आई नो द कैमरा में इतना ज़्यादा जस्टिस नहीं देगा, बट वेन यू कम इन द लाइव एंड वेन यू सी इन द रिकॉर्डिंग इट्स लिटरली अ डिफरेंट थिंग गाइस, बट यहाँ पे आना इज रियली रियली ग्रेट गाइस, वर्थ इट। गाइस अभी अपन अभी जाने वाले हैं इसके अंदर वाले, इसके जो दिख रहा है उसका ताजमहल के अंदर, तो ऊपर से भी हम लोग व्यूज़ निकालने के ट्राई करेंगे, सो अच्छा खासा व्यूज़ आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से तो नज़दीक हम लोग और आए तो इट्स लुकिंग रियली रियली गुड, पर हम लोग अंदर भी जाएंगे सो इट विल बी रियली रियली अमेजिंग और वंडरफुल, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस उधर अंदर जाने के लिए, तो उधर जाने के लिए मतलब कि जैसे कि ऊपर से आपको व्यू दिखाने के लिए, तो पहला सबसे पहले आपको 200 रुपीज़ का टिकट लेना है, और उसके साथ क्या लेना है मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइए गाइस। सो उसके साथ आपको ये शूज़ में जो देख रहे हो प्लास्टिक वो ज़रूरी है, क्योंकि उधर कुछ रिस्पेक्ट के लिए हम लोग को लेना पड़ता है, अपना शूज़ कवर करने के लिए हम लोग को ये वाला ये ब्लू वाला लेना पड़ता है, 10 रुपीज़ इसके लिए, और टिकट का 200 रुपया फॉर इंडियंस एंड फॉरिनर्स टू, तो अप्रॉक्सीमेटली 210 का आपको ये इधर लेना पड़ेगा इधर अंदर, या अगर आपको ऊपर की तरफ अगर कुछ एक्सप्लोर करना है तो गाइस इधर लाइन पे हम लोग को जाना है अंदर अभी, तो अभी अंदर जाके मैं अभी मिलता हूँ आपको गाइस। गाइस अपन ऊपर आ चुके हैं गाइस, सो यहाँ पे वीडियोग्राफी अंदर जो है, अंदर पता नहीं कैमरा में समझ रहे हम लोग अंदर जाएंगे, उधर वीडियो एंड फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अंदर का तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट मैंने इधर का जो बाहर का सीन है वो दिखा दिया, तो आप देख लीजिए गाइस, तब तक मैं अंदर जाके कैसा था वो सब, अंदर कैसा था एक्सपीरियंस वो सब आप लोग से शेयर करूँगा कुछ ही देर में गाइस। गाइज इट वॉज रियली रियली ग्रेट एक्सपीरियंस गोइंग अप,
यू शुड ऑल्सो डेफिनेटली विजिट इट गाइज, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको ऊपर जाने का. सो 200 रुपये वॉज ओके वॉथ इट, काइंड ऑफ वॉथ इट. तो आपको डेफिनेटली एक बार विजिट करना ही चाहिए ऊपर. सो अभी अपना जो प्लान है, अभी होटल में जाके ब्रेकफास्ट करके फिर निकलना है दिल्ली की तरफ. और अभी तो मौसम भी खुल गया जैसे कि देख रहे हो. इट्स रियली ग्रेट कमिंग आउट हियर, इट्स रियली अमेजिंग फीलिंग एंड वंडरफुल गाइस. सो गाइस इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस राइट नाउ, क्योंकि हम लोग का मतलब इतना टाइम हो गया कि क्या हो गया कैसा हो गया वो सब बैक स्टोरी में इस एंड ऑफ दिस ब्लॉग में बताऊंगा गाइस. बट अभी फिलहाल के लिए कुछ कुछ इतना सारा टेंशन के बाद, आफ्टर 2 आवर्स का एक्स्ट्रा टेंशन के बाद हम थोड़ा सा फ्रीली हो गए. वो क्या टेंशन था कैसा था मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा, बस वो ब्लॉग में बने रहिए आप. सो फिलहाल के लिए अभी विवेक को भी आने दीजिए अभी, और बाकी स्टोरी जो है इस ब्लॉग के एंड में करता हूँ. और ये ताजमहल का सफ़र अच्छा था. अब यहाँ से हमारा जो सफ़र होगा वो दिल्ली की तरफ होगा गाइस. सो गाइस आफ्टर अ रियली लॉन्ग टेंशन एंड ऑल, सो नाउ वी आर गोइंग टू फतेह सिकरी. हम लोग पहुँच चुके हैं अभी. ये कुछ आगरा से कुछ ही किलोमीटर्स में है, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 घंटे का कुछ इतना ड्राइव है, विच इज़ अराउंड 30-40 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा सिटी. सो यहाँ पे क्या क्या है कैसा है मेरे लिए भी नई चीज़ है. तो चलिए अभी देखते हैं क्या क्या मिल सकता है अपने को इसमें और क्या क्या एक्सप्लोर हो सकता है इसमें. सो गाइस जैसे कि देख रहे हो आप, हम लोग को इसमें से कौन सा एक बस में जाना है. सो टूवर्ड्स अप. अब आगे क्या क्या है मेरे को इस प्लेस के बारे में ज़रा सा भी आइडिया नहीं है गाइस. तो देखते हैं कैसा व्लॉग बनता है. तो चलिए जाते हैं गाइस. सो गाइस अपन अभी अंदर आ चुके हैं गाइस. इट इज़ अ रियली रियली ग्रेट आर्किटेक्ट्स एज पर मैंने देखा. इट्स रियली रियली ग्रेट प्लेस. ये तो अब मेरे को भी पता नहीं था गाइस. तो क्या क्या नई चीज़ें वो तो हम एक्सप्लोर करते रहेंगे गाइस. सो स्टे ट्यून. सो गाइस अपन अभी अंदर आ चुके हैं. द आर्किटेक्ट्स लुक्स लाइक वेरी वेरी ग्रेट. सो वेरी वेरी गुड वन, मतलब कि एक अलग ही वाइब से इधर आना. इट्स गुड, मज़ा आ गया इसको देखते हुए ही, एक अलग ही वाइब से इस पिलर को देखते हुए एंड सो ऑन. मतलब कि एक एक चीज़ एक्सप्लोर करते बैठूंगा तो इस प्लेस का सब व्लॉग बन जाएगा गाइस. सो गाइस जैसे कि आप सामने देख रहे हो उस साइड पे, हम लोग कुछ ही देर पहले उधर उस फोर्ट के अंदर थे. हमने आपको जैसे कि बताया था कि हम लोग इसके अंदर थे और यहाँ पे एक अलग अलग फोर्ट जैसा, मतलब कि अलग ही हिस्ट्रिकल मोमेंट है. इधर मूवीज़ भी बहुत सारे शॉट हुए आई थिंक सो. सो इन दिस ऑल्सो यू कैन सी आउट डिफरेंट काइंड ऑफ योर आउट योर एंड इन दिस ऑल्सो यू कैन सी आउट योर मैनी डिफरेंट थिंग्स आउट योर कमिंग वेरी वेरी गुडली. सो गाइस जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो, दैट इज़ नोन एज अनूप तालाब. अनूप तालाब मीन्स द लेक होता है. तालाब मीन्स आपको पता होगा कि नहीं गाइस, आई डोंट नो, बट मैंने बता दिया कि तालाब मीन्स लेक होता है. सो यहाँ पे आर्किटेक्ट्स इज़ रियली रियली गुड. और जैसे कि पीछे भी इट्स अमेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ. और थोड़ी देर पहले हम लोग कुछ देर पहले अपन उधर ही किधर दूर बैठे थे, उधर फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे एंड वीडियोग्राफी. तो आप लोग को पता ही चल गया होगा अमेजिंग है, अलग ही वाइब्स है गाइस इधर आना. और अभी क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो भी है हम एक्सप्लोर करेंगे. तो अब व्लॉग में बने रहिए गाइस.
गाइस अभी थोड़ी देर पहले हम लोग थोड़ा सा फोर्ट एरिया में थे, मतलब कि जैसे कि देखा होगा आपने, बट नाउ वी आर कम्प्लीटली इन टू डिफरेंट एरिया राइट नाउ इन दरगाह एरिया राइट नाउ। एज यू कैन सी फुल ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्स आउट हियर। जैसे कि मेरा रिवॉल्विंग शॉट से पता नहीं समझ रहा है कि नहीं गाइस। सो गाइज अपन अभी एक रेस्टोरेंट में हॉल्ट कर चुके हैं, सो द टाइम इज़ राइट नाउ 5:02 और ये टाइम पे अपना लंच होने वाला बिकॉज ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, जैसे कि आपने देखा होगा शॉर्ट्स में हम लोग देखे थे कि घूम के आ गए। सो अभी जो प्लान आउट है गाइज की, अभी यहाँ से जाना है दिल्ली की तरफ लंच के बाद, बिकॉज अब तो लेट हो गया, अभी 4 से 5 घंटे तो लगने वाले, अभी 5:30 बजे भी निकले गाइज, अगर हम लोग 7:30 बजे भी निकल गए तो इट विल बी अराउंड 9 or 10 o'clock तक पहुंचने के चांसेस है, अगर विदाउट ट्रैफिक का मैं बता रहा हूँ। सो आधा घंटा ऊपर नीचे करके भी पहुंचेंगे तो भी 9 to 10 o'clock के बीच में होने का चांसेस है गाइस। सो अभी वही अभी 9 to 10 तो हो सकता है, अभी क्या कर सकते गाइस। निकलने के लिए हम लोग जल्दी निकले थे बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, वो प्रॉब्लम क्या हो मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था आपको मैं बताऊँगा एंड ऑफ दिस व्लॉग, तो धीरे धीरे हम लोग बताते रहेंगे गाइस। सो स्टे ट्यून उसके लिए भी। द नज़ारे ऑफ दिस प्लेस इज़ रियली गुड, सो मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो सोचा कि जहाँ नज़र आती अच्छी आती तो आपको विजुलाइजेशन के थ्रू दिखाना तो बनता ही है ना गाइस, सो दिखा दिया आपको। सो स्टे ट्यून का अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। गाइस अपन पहुंच चुके हैं अपने सेकंड होम में विच इज नोन एज आश्चर्य इन, जहाँ से हम लोगों ने अपने व्लॉग स्टार्ट किए थे अपने मनाली सीरीज का, वहीं पे वापस आ गए, यहाँ पे अपना मनाली सीरीज खत्म होने वाला गाइस, और उसके आगे वाला जहाँ पे सीरीज स्टार्ट होने वाला वो अलग, इसके बाद वाला भी एक कुछ सीरीज आने वाला है, वो कहाँ का सीरीज हो तो सस्पेंस है ही गाइस आपके लिए। सो अच्छा खासा लग रहा है वापस आके इधर। सो अभी जो टाइम हो रहा है इट इज़ नाउ, पता नहीं कैमरा में समझ रहा है कि नहीं, इट्स 11 o'clock राइट नाउ, 11:06 हो चुका है गाइस। सो अभी खाना खा के फिर सो जाना है अभी, क्योंकि अभी कुछ अभी का आज अपने गेस्टों का ये है चेकआउट है, तो वो आज चेकआउट हो गया कुछ ही देरों में, मतलब 3 घंटे में उन लोग का चेकआउट है। सो इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस आउट हियर ट्रैवलिंग, आई होप सो मेरा ट्रैवल व्लॉग्स अच्छा लगा रहेगा। और गाइस ये व्लॉग मैं अभी नहीं एंड करने वाला, बाद में एंड करूँगा ना, आई नो ये बैक स्टोरी का भी कहानी है अभी आएगा। सो गाइस आ चुके अपन वापस रूम के इधर, दैट्स इट विद टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, अगर पसंद नहीं आता तो हिट द डिसलाइक बटन टू, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी स्प्रेड हैप्पीनेस एंड व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल डू फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल दिस इज माई। और गाइस मैं आपको बैक स्टोरी भी बताने वाला हूँ गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। सो एक्चुअली क्या हो गया, जैसे कि हम लोग ताजमहल गए थे, आपने देखा ही अभी कुछ ये कुछ फुटेज पहले, सो हम लोग ताजमहल तो गए थे, फिर बाद में थोड़ा अच्छा खासा एक्सप्लोर कर रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम वन आंटी गॉट मतलब कि मिसप्लेस्ड, बिकॉज पता नहीं इतना भीड़ था या उनके पास फ़ोन भी नहीं था जो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते, अगर उनके पास फ़ोन भी रहता ना गाइस तो शायद से वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते बिकॉज उधर नेटवर्क नहीं आता है, क्योंकि मेरा भी जियो का जो नेटवर्क है वो पूरा जाम अप कर दिया, तो उसके वजह से हम किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि मैं भी उधर वापस रीचेकिंग के लिए गया तब मेरा पूरा नेटवर्क ही जाम अप कर दिया, क्योंकि उधर पता नहीं उधर नेटवर्क आगरा फोर्ट के उधर मतलब कि ताजमहल के उधर वो लोग उधर नेटवर्क जाम कर देते, मतलब वीक कर देते,
सो उसके जैसे हम लोग थोड़ा कांटेक्ट करने में भी थोड़ा मुश्किल हो गया, और उनके पास फ़ोन भी नहीं था, तो थोड़ा सा ये सब भागाडोरी में थोड़ा ये टाइम इधर इधर पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसके जैसे तो वो जगह पे भी जाने के लिए और ये वाला इधर आने के लिए भी थोड़ा लेट हो गया, और लंच भी लेट हो गया उसके उसी के कारण के वश। सो कोई बात नहीं, होता ही, दिस इज़ ओनली द लाइफ। सो कभी भी आप प्लान कर रहे हो तो वह ताजमहल जाने का, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, इसकी एक स्पॉट बना के रख लीजिए। जैसे कि सपोज लाइक हम लोग वेस्ट गेट में थे, तो वेस्ट गेट का स्पॉट बना के रखिएगा। सपोज लाइक मैं बोल रहा हूँ कौन सा भी गेट, या तो कौन सा एक ऐसा टिकट काउंटर जैसा कुछ ऐसा ये कर दीजिए, तो जब जाके आप कोऑर्डिनेट कर पाओगे। तो और खास कर अपने बच्चों का एकदम ख्याल रखिए, क्योंकि भीड़ बहुत आजकल बहुत होने लग गई है, बिकॉज वैकेशन सीजन चालू हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ होने के वजह से मिसप्लेस होने के चांसेस ज़्यादा होने के हो सकते हैं गाइस। सो ये सब ध्यान में रख दीजिएगा। सो गाइस हम लोग पहुंच, सो गाइस इट वाज रियली रियली गुड गोइंग अप, मतलब कि